ये देखिए तो कैसे हैं आप लोग, बहुत बहुत करता हूँ शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। और दोस्तों मैंने पहले भी कह दिया था कि अगर आपको बीएड के संबंधित कोई भी चाहिए नॉलेज, बिहार जो बीएड एग्जाम ली है इंट्रेंस टेस्ट की, अगर कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। खैर दोस्तों, और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बीएड के लिए को अपडेट आ रही है लगातार। और मेरे ख्याल से अगर इतनी भी नहीं मिल पाती आपको डेली न्यूज में, आपको सारी खुशूस बातें नहीं आ पाती है, तो मैंने उसको रिसर्च करके मैंने बहुत सारी बातों को बताकर आपको रोज डालता हूँ बीएड के ऊपर वीडियो, सब्सक्राइब कर लो बीएड भाई लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी अपडेट मिल जाएगी। खैर दोस्तों, आज का मेरा मेन टॉपिक ये था कि आपने मेरे थंबनेल पर आई है और इस थंबनेल में बताया था कि बीएड का जो काउंसलिंग जो है सेकंड रिंग कैसा गया, कितना एडमिशन हुआ और कहां तक बचे आओ, कौन कौन सी कंडीशन अपनाई गई, तो उसी के बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ। और कैसे क्या हुआ दोस्तों, बीएड का जो सेकंड रिंग थी, मैंने फर्स्ट रिंग का जो कितना गया कटअप और कितना जो क्या होने वाला था मैंने बना रखी है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप डिस्क्रिप्शन का लिंक भी दे सकते हैं। खैर दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है सो मेरे दूसरे दिन की क्या हंगामा हुई, क्या होने वाली है इसके ऊपर में, तो शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों, चलता हूँ मैं अपने गैलरी में, आपको वहाँ पर शो करवा देता हूँ कि क्या हुई और कैसे हुई और कौन कौन सी खबर दोस्तों आपको आई है, और वो भी कि आज के लिए, तो मैं दोस्तों आपको वो चीज शो करवा देता हूँ, ठीक है, वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएड के लिए दोस्तों एडमिशन हो रही है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं लिखा हुआ है साफ साफ कि पटना के ज्ञान भवन में शनिवार को आयोजित बीएड काउंसलिंग छात्राओं की जानकारी देते नरंदा ओपन यूनिवर्सिटी के कर्मचारी। यहाँ देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ और साफ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए माफी करना, यहाँ देखो दिख रहा है साफ, मैंने सखेरा लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एडमिशन हो रही है कभी भारी मात्रा में, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे लोगों की एडमिशन हो रही है। तो अब देता हूँ दूसरे दिन 2900 छात्रों की हुई काउंसलिंग, क्या हुई पढ़ लेता हूँ मैं। बिहार के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग के दूसरे दिन छात्रों की भारी भीड़ उमड़ी और काउंसलिंग के लिए 3200 सफल छात्रों को बुलाया गया था और शाम 6 बजे तक लगभग 2900 छात्रों के कागजात की जांच की गई और शनिवार को भी कई छात्र मूल प्रमाण पत्रों के बिना ही काउंसलिंग के लिए पहुंचे थे। दोस्तों मैं बता दूं एक्चुअली में हुआ क्या था कि जो भी लोग बिना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हुए या फिर कोई अधूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां पहुंच रहे हैं तो उनको वार्निंग दिया था, उनको उपस्थिति कराकर खाने का, तो बता दूं कि अगर आपको जिस दिन बुलाया गया उसमें अगर नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी हालत में तो अभी आपको ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी, आपको दूसरे दिन समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पहुंच गए, आपने वहां पर अपना उपस्थिति दर्ज करवा दी और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कोई गलती से प्रमाण पत्र मूल प्रमाण छूट गया आपको, तो आपको डेट दोबारा दिया जाएगा 7 तारीख को ले जाने के लिए, क्योंकि 7 तारीख को फिर 7 अगस्त को बुलाया गया है। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, लगा हुआ देख लेना, ठीक है। आप देखता हूँ 7 अगस्त को उन्हें पुनः बुलाया गया था, मैंने बताया था आपको। ज्ञान भवन में सुबह से ही छात्र छूटने लगे थे और नालंदा खुला विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों की संख्या को देखते हुए काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई थी और विश्वविद्यालय के कुल सचिव व परीक्षा के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि शनिवार को 100 काउंटर बनाए गए हैं और काउंसलिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। अगले 1-2 दिनों में कॉलेज की च्वाइस को लेकर NOU की ओर से सफल अभ्यर्थियों के निर्देश वेबसाइट पर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप उसमें भी शामिल है कि अगर आपके काउंसलिंग की जो कंप्लीट प्रक्रिया हो चुकी है तो आप ही बहुत ही जल्द आपकी आने वाली है वेबसाइट, आप चेक करते रहे NOU की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक अपनी मिल जाएगी, वहां जाकर देख लेना और वहां जाकर चेक हमेशा करते रहना आप लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों की जो काउंसलिंग की है आप कौन से कॉलेज में आपको गई है तो वो वहां पर आपको आ जाएगी, ठीक है। अब देखो कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों का मैट्रिक इंटरमीडिएट और स्नातक का अंक प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। ये बात आप गौर रखिए कि आपको हमेशा मैट्रिक इंटरमीडिएट और स्नातक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा और आरक्षित अगर आरक्षित श्रेणी के हैं उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र प्लस शामिल करना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांगता में आती है तो श्रेणी वाले को संबंधित प्रमाण पत्र आपको ले जाना पड़ेगा। आवासीय प्रमाण पत्र हुआ सेवानिवृत्त सैनिक का, सैनिक कोटा का लाभ लेने के बाद अभ्यर्थियों को इसमें सपोर्ट ले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से दूसरे दिन दोस्तों आप लगभग 3200 छात्रों में से 2900 छात्रों की काउंसलिंग शुरू की गई और कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं आए, मतलब 3200 में से 2900 छात्र ही वहाँ पर अवेलेबल हो पाए। दोस्तों ये थी कि अब तक की खबर। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको खबर आपको अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब करो, बड़ा कर देना क्योंकि न्यू न्यू टॉपिक पाने के लिए, ठीक है। और अगर मेरी पुरानी वीडियो देखें तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना और बेल आइकन क्लिक करना मेरे सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।